भाई मैं तो पूछ रहा था तुम कहाँ गई हो कहाँ नहीं गई हो, देखिए कौन कौन आया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त संजय वर्मा। ओम प्रकाश जी क्या बात है, क्या चीज थे वो, क्या कलाकार थे ओम प्रकाश जी, बहुत अच्छे कलाकार। एक बार ओम प्रकाश जी ने अपने पास एक नौकर रखा, और नौकर ऐसा वो उसको जब भी छुट्टी लेनी पड़ती तो कोई ना कोई बहाना करता। सेठ जी, ओम प्रकाश जी, मेरी माँ मर गई है, मेरी माँ मर गई है, मुझे एक हफ्ते की छुट्टी दे दे। भैया कोई बात नहीं, चले जाओगा। उसके बाद उसको दोबारा छुट्टी मांगनी पड़ गई तो गांव जाने के लिए फिर उसने कहा, साहब जी आपके बाप मर गया, छुट्टी दे दो, चिट्ठी आई है, छुट्टी दे दो। भैया बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जाओ जाओ छुट्टी ले लो। तीसरी बार जब उसको फिर छुट्टी मांगनी पड़ी तो ओम प्रकाश जी से उनका नौकर फिर बोला, क्या हुआ तुझे? साहब जी चिट्ठी फिर आई है, माँ मर गई है बाबू जी, पर फिर छुट्टी दे दो। ओम प्रकाश जी को बड़ा गुस्सा आया, अरे ओ मूर्ख बच्चे, ये क्या ड्रामा कर रखा है तूने? कभी तेरी माँ मर जाती है, कभी तेरा बाप मर जाता है, कभी तेरी माँ मर जाती है, कभी तेरा बाप मर जाता है। पहले तू ये बता कि तेरे कितने माँ और तेरे कितने बाप है। तो नौकर ने कहा, साहब जी मैं क्या बताऊं मैं, पहले जब माँ मरी थी तो बाप ने दूसरी शादी कर ली, बाप बना तो माँ ने दूसरी शादी कर ली, माँ मरी तो बाप ने, बाप बना तो माँ ने, जब दोनों शादी कर करके मर रहे तो मैं क्या करूं, छुट्टी दे दो ना।